So hey, what's up guys, how are you all? And I'm back with a long video after a long time. So guys, क्या आप लोग आसनसोल दुर्गापुर एरिया से बिलोंग करते हैं, लाइक आसनसोल के आसपास से बिलोंग करते हैं, एंड यू वांट अ गुड लैपटॉप बट यू आर टाइट एंड इन शॉर्ट ऑफ बजट, या फिर क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको लैपटॉप चाहिए इस लेवल का लेकिन आपके पास इस मोमेंट पे बजट है इस लेवल का? सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू, एंड और एक सरप्राइज है इस वीडियो में. सो फिलहाल मैं हूँ सेंट्रम मॉल के थर्ड फ्लोर में, लैपी वाले में. यस, दिस इज एन ऑल न्यू, लाइक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है लैपी वाला. सो बेसिकली एज फार मेरा नॉलेज जितना है, दिस इज़ अ पटना बेस्ड कंपनी, दिस डील्स इन सेकेंड हैंड लैपटॉप. तो बातचीत ना बढ़ा के चलते हैं सीधा अंदर, एंड आप सबको दिखाते हैं लैपी वाले में क्या क्या अवेलेबल है, एंड इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी अवेलेबल है. स्टॉक तो थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा एंड अंदाज भी लग चुका होगा कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, एंड अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे, जिस चीज का वेट आप सब लोग तब से कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, एंड आप लोग जिस चीज के लिए अभी तक बहुत सारे यंगस्टर्स वेट किए हुए हैं, यस, यानी कि आईपैड एंड मैकबुक के प्राइसिंग के लिए, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो जानने के लिए वीडियो में बने रहो, बिकॉज मैं बीच बीच में रैंडम बताऊंगा क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखोगे, मुझे पता है. सो ही इज द ओनर राइट देयर, उनसे बात करेंगे कुछ कुछ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डालेंगे बिकॉज आप लोगों को और एक सरप्राइज देना है जो कि हम लोग यहाँ पे खुद के लिए प्लान कर रहे हैं, एक्चुअली इसके लिए प्लान किया जा रहा है. गाइस, हियर गोज द ओनर विद अस, उमेश दा, राइट? ओके, तो सबसे लोएस्ट प्राइस लैपटॉप आपके पास क्या है, क्या प्राइस का है, उसका कौन सा है, एंड क्या कॉन्फिग है? तो हमारे पास सबसे जो अभी कम प्राइस में है वो है लिनोवो का योगा सीरीज, ओके, जो कि फुल्ली टच है. योगा कम नाम में? जी बिल्कुल, फुल्ली टच है. क्या बात कर रहे हो भैया, आप देख सकते हैं फुल्ली टच में मिलेगा आपको योगा 360 है. हाँ, इसको आप एज ए लैपटॉप, एज ए टैबलेट, कुछ भी यूज कर सकते हैं. ओके, क्रोमबुक ओएस के साथ आता है, ओएस के साथ ही ऑनलाइन स्टडी के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, वेब बेस्ड क्लासेस जैसे अनअकैडमी, बायजूस हो गया. तो एक जो अभी लैपटॉप लेने का सोच रहा है, जो पेरेंट्स या फिर जो स्टूडेंट्स और बजट, इन शॉर्ट ऑफ बजट है, उनके लिए ये शायद बेस्ट चॉइस रहेगा, स्पेशली स्टडीज वगैरह के लिए, बिकॉज आजकल ऑनलाइन क्लास का भी तो मतलब ये तो अभी चलते रहेगा. ओके, सो भैया ये बताओ, अब i3 में आपको बता रहा हूँ, i3 का एक अच्छा जनरेशन में एक लैपटॉप का प्राइस रेंज कैसे आएगा, एंड जस्ट शो मी सम लैपटॉप्स. मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बेस्ट जो हमारे पास सबसे अच्छा प्राइस में i3 का है, ये 6th जनरेशन है, i3 6th जन. ओके, आप इसका कंडीशन देखो, फुल्ली न्यू कंडीशन में है, i3 6th जनरेशन है, 4GB रैम. क्या दे रहे हो भैया, अब यूज्ड लैपटॉप लग नहीं रहा. अगर ये मार्कर में आपका डेट और ये मिटा दूंगा ना, और किसी को अगर बताऊंगा कि ये मतलब रिफर्बिश्ड नहीं, जस्ट ओपन बॉक्स है, मान जाएगा. और ये आपको मिल जाएगा हमारे पास मात्र 15,000 रुपए में, कितना पुराना लैपटॉप सब रखते हो? ये हमारा mostly आपका one year used laptop. So mostly आपका लैपटॉप में SSDs इंस्टॉल रहते हैं? सारे में हमारे पास लैपटॉप में SSD यूज है, किसी में हार्ड डिस्क नहीं मिलेगा. ओके, सो गाइस, जो जो ये चीज आप लोग नहीं जानते हो कि SSD और हार्ड डिस्क में डिफरेंस तो आप लोग सब लोग ऑलमोस्ट जानते ही हो, लाइक सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव, लेकिन ये मैं बता दे रहा हूँ,
अगर एक बजट लैपटॉप में 1 TB का हार्ड डिस्क देता है, उसको अगर स्टार्ट होने में 1 मिनट का समय लगेगा, तो अगर वो अगर 128 GB की उसमें SSD लगा हुआ है ना, that will boot up in hardly 10 to 15 seconds at max. So मतलब उसका जो हर ऐप का लोडिंग टाइम या फिर आप कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो, लैग फ्री ऑलमोस्ट हो जाता है. लाइक पुराना लैपटॉप में बेस्ट रहता है SSD अपग्रेड कर लेना. इसमें तो नया नया लैपटॉप में भी SSD अपग्रेडेड है, एंड दैट टू नॉट 128 में सिर्फ आपका प्रोसेस फास्ट होता है. 256 GB में आप लोगों को स्टोरेज भी मिल रहा है, एंड उसके साथ साथ ये भी मिल रहा है, बूस्टअप भी हो जा रहा है. एंड अगर आप लोगों को मूवीज वगैरह स्टोर करना ही है, देन आप लोग एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लो. दिस विल बी अ वेरी वाइड लाइक वाइज चॉइस फॉर यू गाइस. बिल्कुल बिल्कुल. आप अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो 512 GB में हम आपको अपग्रेड करके दे देंगे. हाँ, यहाँ पे अपग्रेडेशन भी होता है, एंड साथ साथ एक साल का वारंटी, सर्विस वारंटी, सर्विस वारंटी, 15 ईयर्स का आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाएगा, और 3 ईयर्स की रिमोट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट. आप बहुत सही है. अभी मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग आए तो थे वीडियो बनाने, लाइक वो आया था मेरे साथ यहाँ पे पिज्जा खाने है, मुझे थोड़ा कंपनी देने. बट आई नेवर इमेजिन कि यहाँ आके मुझे एक चीज ऐसा पसंद आ जाएगा कि मैं खुद के लिए, नहीं खुद के लिए नहीं, एक्चुअली उसको पसंद आ गया. सो उसके लिए मैं एक चीज हम लोग प्लान किए, एंड वीडियो में आगे आप सबको दिखाते हैं. सो गाइस, अब आ जाते हैं सबसे चहिदा सेक्शन में, मैकबुक्स. अच्छा नहीं, i7 एक बार कंप्लीट कर लेता. i5 और i7 का एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग भैया बता दो. मैंने तो सिनेमैटिक में लैपटॉप दिखाई दिया मेरे पीछे बैक एंड में, जो जो है, दीज आर ऑल i5s एंड i7s. i5 में हमारे पास 4th generation शुरू हो जाता है, 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ, मात्र 14,500 में. i5 4th generation, 8 GB रैम, 256 GB SSD, 14,500 में मिल जाएगा. मैं आपको मॉडल भी दिखा देता हूँ. ये है आपको Latitude, कितना प्रिस्टीन कंडीशन में. ऐसा नहीं कि यूज लैपटॉप की कोई भी यूज लैपटॉप दे रहा है, बट ये यूज लैपटॉप मतलब ऐसा लगेगा कि लाइक आप ही लोगों का है. हार्डली 1-2 महीना पुराना, 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना वैसे ही रहता है. आप ये देख सकते हो डेल में, डेल लैटिट्यूड में. ये i5 का 6th generation है, 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ. ओके, 17,500 रुपया. ग्रेट. सो भैया, आप हमारे सबसे लाइक लेटेस्ट टॉपिक में आ जाते हैं, जो यंगस्टर्स जिसके लिए अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, जिस चीज के लिए वेट कर रहे हैं, iPads एंड MacBooks. उसका सेक्शन. iPad के बहुत सारे कलेक्शन आए हुए हैं. आप हमारे पास iPad 9000 से स्टार्ट हो जा रहा है. ये है iPad का आपका एयर सीरीज, ये आपको 9000 में मिल जाएगा. 10.5 inches स्क्रीन, वाईफाई, ओरिजिनल आईपैड एप्पल का लोगों के साथ. वाओ, ये भी ऑलमोस्ट क्रैशलेस है, मुझे कोई स्कार्फ्स डेंट्स नहीं दिख रहे हैं ऑलमोस्ट. देखो क्लीन पीस है एकदम, मतलब बहुत सही मिल रहा है यार आप सबको. मेटेलिक यूनिबॉडी, एल्युमिनियम है शायद, राइट? या सो स्पेस ग्रे कलर का बहुत ही अच्छा कलेक्शन मुझे दिख रहा है. मिनी दिख रहा है, एयर दिख रहा है, प्रो भी शायद है ना आपके पास. प्रो हमारा सोल्ड आउट हो गया. मैं लास्ट एक बार विजिट करने आया था, भैया से मिला था, तब प्रो अवेलेबल था. सोल्ड आउट हो गया. सो यहाँ पे आप सबको हर आईपैड मिलेगा. देखो एक बार मैं जस्ट फॉर रेफरेंस एक बार दिखा देता हूँ. सो दिस इज आईपैड एयर एंड दिस इज आईपैड मिनी. सो दोनों का साइज डिफरेंस देख लो, अपना अपना रिक्वायरमेंट का हिसाब से देखना. देखो दोनों का साइज डिफरेंस देख लो. इसमें एंड बाय द वे इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर है, एंड ये गेमिंग के लिए बेटर है जो छोटा वाला है. मेनली जो हम लोग पबजी वगैरह, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब जो खेलते थे, सो ये आईपैड के लिए बेस्ट रहता है. एंड बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर अगर कंटेंट कंजम्पशन के लिए लेना है, मल्टीमीडिया के लिए, सो दीज लार्ज स्क्रीन आईपैड्स वुड बी द बेस्ट, राइट? आप लोग बहुत ज्यादा कैशिफाई वगैरह में आप लोग देखते हो या फिर ऑनलाइन में, ओपन बॉक्स कैटेगरी, तो यहाँ पे आप सबके सामने ओपन बॉक्स कैटेगरी में दिखाने वाला हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली द ओपन बॉक्स कैटेगरी. एंड ऑनलाइन में लेते हो तो आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हो. सो आई विल शो यू द ऑफलाइन वन. सो दिस इज द ओपन बॉक्स वन. अरे यार क्या स्क्रीन है, गजब, लवली. इसको रोटेट करने से आप लोग रोटेट भी हो जाएगा, एंड यू कैन डू मल्टीपल टास्क. भैया पकड़े रखो, गिर ना जाए, चूना लग जाएगा. सो गाइज देखो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर किसी का बहुत ज्यादा काम रहता है, देखो मैं एक तो फोन से शूट कर रहा हूँ, ऊपर से आप इसका क्वालिटी देखो. सो ऑब्वियसली हाँ, एकदम आईफोन जैसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है भाई. 18-20 का फर्क है भाई, बहुत अच्छा है. यहाँ पे आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टा ब्राउजिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो. ये क्या सेलुलर इसमें है? ये वाईफाई प्लस सिम है, वाईफाई प्लस सेलुलर, सही है, बहुत सही है. यूज कर सकते हो आप ट्रेन में. सो गाइज मैं तो बोलूंगा कि एक नॉर्मल एवरेज बंदा जो कि आईपैड का प्लानिंग कर रहा है, ये वाला उसके लिए बेस्ट चॉइस होगा. एंड भैया इसका स्पेक्स बता दो, लाइक स्टोरेज एंड प्राइस.
ये लेटेस्ट iOS के साथ है okay. और ये 4GB और 32GB स्टोरेज के साथ मिल जाएगा आपको. ग्रेट. और ये आपको मिल जाएगा मात्र 14,500. वाह नाइस. तो भैया अब आ जाता है हम लोग मैकबुक्स के सेक्शन में. मैकबुक्स का प्राइसिंग बता दो भैया. मैं ये नहीं पूछूंगा स्पेक्स नहीं, बिकॉज जो जो इंटरेस्टेड है मैकबुक्स लेने में, भैया का नंबर तो मेरा स्क्रीन में कभी कभार फ्लैश भी हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनको लाइक कॉल करके पूरा पूछ लेना. बस वीडियो लंबा ना हो जाए, दैट्स वाई मैं आप लोगों को सिर्फ प्राइसिंग जस्टिफाई कर देता हूँ मॉडल के साथ. सो द किंग ऑफ थिन लैपटॉप्स जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, द M1. सो ये तो है मैकबुक एयर, ठीक है. ये बैकलेट एप्पल लोगो के साथ जो आता है. एंड भैया इसका थोड़ा प्राइसिंग एंड ये बता दो आप. ये आपका मैकबुक एयर 1460/1466 मॉडल है. ओके. और ये आपको मिल जाएगा 22,000 में. बहुत ही अच्छा डील है मैकबुक का. अगर अगर किसी को प्लान कर रहे हो कि फ्यूचर में आप लोग मैक खरीदोगे, या फिर अभी मैक लेने का एक्सपीरियंस करने का मन है लेकिन उतना बजट नहीं हो रहा, बिकॉज गाइस अभी का मैक ऑलमोस्ट 1,00,000 तक आप लोगों को देना पड़ेगा अगर लेना है तो. सो दिस वुड बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू. उसके बाद भैया इसमें आ जाता है, ये आ जाता है 13 inches का साथ, जो कि मैक्सिमम पर्सनल मतलब ये मैं भी यूज करता हूँ एंड दिस इज प्रीटी कम्फर्टेबल. उसके बाद आता है, नहीं भाई मेरे को बड़ा वाला लैपटॉप ही लेना है जिसमें आप मूवी एडिट करना, जिसमें मूवी क्रिएटर्स के लिए, मेरे यूट्यूबर भाई लोगों के लिए, जो लोग मेरे फोटोग्राफर भाई लोग है शादी वगैरह में एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा. सो जैसा स्क्रीन साइज है आप लोगों को एडिटिंग में भी लाइक बहुत अच्छा कन्वीनियंस मिलेगा. एंड इफ यू यूज एन एक्सटर्नल माउस यू कैन आल्सो लाइक, अब पता है जो जो एडिटर रहता है उनको एक्सटर्नल माउस का ज्यादा बेटर रहता है, तो आप लोग एक्सटर्नल माउस लेके और भैया फाइनल कट भी डाल देंगे, इतना मेरे फायदा है एक्सपोज अप किया ग्राफिक्स के साथ है. ये आपको मिल जाएगा 32,000. ग्रेट. ये प्रो है राइट? प्रो है, मैकबुक प्रो. ग्रेट. और वहां पे मैं मुझे दो मैकबुक्स दिख रहा है, उसका भैया डिटेल्स बता दो. एक हमारा है मैकबुक प्रो, दोनों मैकबुक प्रो है, फोटो डुओ के साथ है एक, जो कि आपको मिल जाएगा 15,000 में मात्र. 15,000 में मैकबुक? क्या बात कर रहे हो भैया, इसको तो मैं मतलब थंबनेल में डालूंगा. आप आइए हमारे स्टोर में जो कि है सेंट्रल मॉल में 3rd फ्लोर पे, लैपी वाला आसनसोल, आप विजिट कीजिए. और भैया मेरा तरफ से व्यूअर डिस्काउंट क्या रहेगा? आपके सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब लाइक करके आएंगे उनको 500 इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा लवली बिल में. एंड लास्ट अब मैं रिवील करता हूँ कि हम लोगों का अचानक से क्या प्लान हो गया. तो गाइस हम लोगों का प्लान था कि हम लोग लेंगे एक डिसेंट लैपटॉप, जस्ट काम चलने में, दैट इज HP. बहुत अच्छा है, ये हम लोगों ने लेने का प्लान बनाया था. लेकिन देखो इसका मैट फिनिश में स्क्रीन है, जैसे एक डिसेंट लैपटॉप रहता है वैसे ही है राइट. प्राइस है इसका 18,000 रुपया. लेकिन अचानक मैडम का दिल शिफ्ट हो गया इसमें कि नहीं अब लूंगा तो सरफेस लेना है. सो गाइज देखो विंड, अगर किसी को मैक ओएस में नहीं शिफ्ट होना, लाइक कोई वर्किंग प्रोफेशनल है एंड उसको चाहिए विंडोज का इकोसिस्टम लेकिन मैकबुक का फील चाहिए, सो दिस इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर यू गाइज. वैसे ही स्लिम है, फॉर्म फैक्टर भी वैसा है, USB पोर्ट आपको एक देखने मिल जाएगा. अगर ज़्यादा USBs लगाना है लाइक कीबोर्ड माउस वगैरह और अटैच करना है इथरनेट पोर्ट वगैरह, सो डॉक्स आता है, डॉक्स आप लोग लिख सकते हो. सो दिस इज सरफेस गो एंड दिस इज सरफेस प्रो. सो भैया प्रो आप एक बार दिखा दो कि उसका क्या मैजिक है उसमें. प्रो में आप देखोगे ये फुल स्क्रीन टच है, ये है फीचर कि आप इसको एज ए लैपटॉप भी यूज कर सकते हो. और अरे टूट गया, नहीं टूटा नहीं है, आप इसे एज ए टैबलेट भी यूज कर सकते हो. बहुत सही है, अगर किसी को दोनों चाहिए लेकिन भाई ध्यान से यूज करना बिकॉज लैपटॉप का ही तो स्क्रीन. ये मैग्नेटिक कीबोर्ड है, इजी टू यूज है. बहुत सही है. क्या प्राइस है सर इसका? इसका आपको 32,000. 32,000 बहुत स्टील डील है. एंड इसका मार्केट प्राइस क्या है? इसका मार्केट प्राइस 2,00,000 के करीब. 2,00,000? क्या बात कर रहे हो भैया, आपको शोरूम में नहीं मिलेगा ये, आपको सिर्फ कंपनी टू कंपनी डील होती है, बिजनेस टू बिजनेस डील होती है, ये शोरूम इसका नहीं मिलता है. वाओ मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि 2,00,000 का लैपटॉप आप इसमें, वो तो मैकबुक का भी ऑलमोस्ट वही 1,70,000-80,000 के आसपास. हाँ वाओ, मैकबुक प्रो जो है गाइस इसका जो प्राइस था मार्केट प्राइस दैट वाज 1.7 लाख. एंड सरफेस में आप लोगों को अलग अलग कलर मिल जा रहा है, दिस इज द मेटालिक सिल्वर एंड दिस इज मैट ब्लैक, दोनों मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है. सो गाइज हम लोगों ने चूज किया ये, जो प्रीतम ने अपने वीडियो में दिखाया था कि ये लैपटॉप में जो हाथ देगा उसी को उससे प्यार हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फील एंड द फॉर्म फैक्टर. दिखाता हूँ, दिखाओ एंड इसका स्पेक्स बता दो मुझे.
ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट गो i5 7 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ। ये आपको पूरा मैट फिनिश मिलेगा, ये पूरा स्मूथ टेक्सचर, बहुत सही टेक्सचर है। मतलब ये मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि व्हाट इज दिस, मतलब इसका फील टू टच लाइक क्या बोले, इसका फील बहुत अच्छा है, टच करने से बहुत अच्छा लगता है, प्यारा। और इसमें आपको 4K डिस्प्ले मिल जाएगा, 4K डिस्प्ले। मैंने लिटरली बकायदा गाइस इसमें वीडियोस प्ले किया, मेरे अपना प्यार हो गया, एंड इसका स्क्रीन देख के ये फिदा हो गया, राइट? तुमने सिर्फ स्क्रीन देख के इसको जज किया, आई कैन गारंटी दैट तुमको इसको लाइक स्लिम फैक्टर से कोई मतलब नहीं, बट यू जस्ट लव द स्क्रीन एंड दैट्स व्हाई तुम मतलब इसको लेके थोड़ा ऑब्सेस्ड हो गए, एम आई राइट? ग्रेट। सो गाइस इसको जब ये पसंद आ ही गया तो चलो यही हम लोग ले लेते हैं। सो थैंक यू, दिस इज आवर डील फॉर टुडे। भैया आए थे तो वीडियो बना रहे, लेकिन कस्टमर भी बन के जा रहे हैं रिटर्न। जी, जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू गाइस। प्लीज एक बार आइए हमारे स्टोर में जो कि है सेंटर मॉल में 3rd फ्लोर पे, लैपी वाला आसनसोल। एंड गाइस तुम लोग तो मेरे एक वजह जानते हो कि मुझे जो चीज पसंद नहीं है मैं उसको प्रमोट नहीं करता, चाहे अगर मुझे पैसा भी मिले फिर भी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर तुम लोगों का एक्सपीरियंस खराब होता है सो मुझे डिफेमेशन मिलेगा। सो दैट्स व्हाई मुझे जिस चीज में ट्रस्ट है मैं सिर्फ वही दिखाता हूँ यूट्यूब में, एंड उसी का प्रमोशन करता। एंड लिटरली आई एम गेटिंग गोइंग टू परचेज राइट दिस, इसका बिलिंग भी मैं आप सबको भी दिखाऊंगा। एंड दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो, एंड इसका लास्ट में मैं हैप्पीनेस दिखाऊंगा आप सबको। सो दिस इज द एंड ऑफ द ऑफिशियल वीडियो गाइस, बाय बाय, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम फॉर योर न्यू माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस, चलो एक बार खुश कर दूं तुमको मैं। वैसे भी तुम एक्साइटेड हो, अगर मैं ये बता दूंगा तुम और एक्साइटेड हो जाओगे, बता दूं क्या? भैया एक से ना भैया, इसका नया में क्या प्राइस है? न्यू में इसका न्यू में आपको 1,50,000 के ऊपर प्राइस आता है। मैंने गलती से हाफ बोल दिया, पहली बात तो आपको मतलब ये स्पेक्स का है, ये स्पेक्स का शोरूम में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ कंपनी टू कंपनी डील होती है। सुन के खुशी हुआ ना भाई, इसका डिस्प्ले देखो यार, प्यार हो गया लिटरली। अगर मैकबुक का स्क्रीन चाहिए ना, मैकबुक का 100% sRGB डिस्प्ले होता है, ये भी एडिटिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक नंबर रहता है यार, एक नंबर, सीरियसली बहुत सही है, बहुत सही है, ठीक है। सो गाइस उड़ती उड़ती खबर और एक सरप्राइज आप सबके लिए, छोटा सरप्राइज, छोटा सा नहीं एक्चुअली धमाकेदार सरप्राइज। सो गाइस यहाँ पे भैया लोग ने ऑर्गेनाइज किए हुए एक गिव अवे जो कि होगा 24th of May। नोट द डेट गाइस, वीडियो में एक ही दिन लाइक 10th को मैं शायद पब्लिश कर रहा हूँ, 9th या 10th को मैं वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। सो 24th को यहाँ पे गिव अवे है। गिव अवे में क्या मिलेगा गाइस? आईपैड मिलेगा, एक आईपैड है, एक लैपटॉप है, एंड 7 डेस्कटॉप्स है। दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ द गिव अवे। क्या करना है आपको? कोई परचेसिंग नहीं करना, आना है लैपी वाले में, अपना नेम नंबर ये तो लिखा के जाना। इफ यू डोंट इवन परचेज यू कैन ऑल्सो स्टिल लाइक यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर द गिव अवे कॉन्टेस्ट। अपना डेटा यहाँ पे दो, 24th को ड्रॉप बॉक्स में लकी ड्रॉ होगा। अगर आप वो लकी विनर में से रहते हो देन ग्रैब योर डील, आई मीन सॉरी ग्रैब योर डील में बोलो, ग्रैब योर गिफ्ट एंड टेक अवे होम ऑफ हैप्पीनेस। सो यही था, एंड चलो आप इसका भी डिलीवरी ले लेते हैं, मैम का जो शूट कर रहा था। चलो सो कैसा लगा, हाउ वाज योर परचेसिंग एक्सपीरियंस? बिकॉज लाइक बीइंग अ कस्टमर मैं पूछ रहा हूँ। No, मेरा तो बिजनेस है।